यहाँ चंद्रयान का रोवर चांद की मिट्टी, वातावरण के साथ वहाँ मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना का पता लगाएगा। दक्षिणी ध्रुव के कई ऐसे हिस्से हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं और यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। ऐसे में इस दुर्लभ स्थान से रोवर की एक एक जानकारी ऐतिहासिक साबित हो सकती है, जिससे कई तरह के रिसर्च में आसानी होगी। साथ ही ये चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता भी लगाएगा। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी का पता लगाने का भी काम करेगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगने और उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा। इसरो शुरू से ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने की तैयारी कर रहा था, वहां उतरने की कोशिश में जुटा था। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में इसी तरह के प्रयास किए गए थे और अब चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के साथ भारत इतिहास रच चुका है।